Hey guys, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद घंटा दबाए ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जल्दी से सब्सक्राइब। वेलकम टू अनकंडीशनल पॉइंट। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? मैं हूं नईम खान, आप देख रहे हैं आपका अपने YouTube चैनल अनकंडीशनल पॉइंट। गाइस, अगर आप लेना चाहते हैं पर्सनल लोन, होम लोन, बिजनेस लोन, अगर आप लेना चाहते हैं 15 लाख रुपए तक का लोन, तो ये वीडियो पूरा देखते रहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे ले सकते हैं 15 लाख रुपए तक का लोन। और जिस कंपनी के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ये ट्रस्टेड कंपनी है जहां पर आपको 110% लोन मिल जाएगा अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है। तो गाइस, क्या डॉक्यूमेंट्स देने हैं, कितना इंटरेस्ट होगा, कैसे लोन मिलेगा, कौन सी कंपनी है, सब कुछ बताने वाला हूँ। वीडियो के बिल्कुल मत करना, हो सके तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा मेरे भाई। और अगर आप नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर चल जाना, क्योंकि फाइनेंस रिलेटेड आपको यहाँ पर मिलती रहती है। सो चलिए गाइस, देखते हैं कौन सी कंपनी जहाँ पर आप इंस्टेंटली लोन ले सकते हैं 15 लाख रुपए तक का। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा, जब आप उस पर क्लिक करेंगे सीधा आपके सामने एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी जिसका नाम है आदित्य बिरला कैपिटल। जी हाँ गाइस, आदित्य बिरला कैपिटल से आप ले सकते हैं 15 लाख रुपए तक का लोन। और जैसे ही वेबसाइट ओपन होती है, इंटरफेस कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलने वाला है। सो गाइस, आप यहां पर देख सकते हैं पर्सनल लोन आप यहां पर 15 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं, साथ ही आप यहां पर देख सकते हैं बिजनेस लोन आप यहां पर ले सकते हैं। आपको यहां पर पर्सनल लोन और बिजनेस लोन दो तरह के लोन आपको यहां पर मिलने वाले हैं। कैसे अप्लाई करना है लोन वो आपको बाद बताऊंगा, पहले जान लेते हैं यहां पर इसके फीचर और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या देने होते हैं अगर आप यहां पर लोन लेते हैं। अगर मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूं तो आप यहां पर देख सकते हैं, अगर मैं इसके फीचर्स की बात करूं, क्विक डिस्पर्सल है, यानी बहुत जल्दी आपके बैंक के अंदर लोन मिल जाता है अगर आपका एक बार अप्रूवल हो जाता है लोन। उसके बाद जो है यहाँ पर ऑनलाइन अप्रूवल मिलेगा आपको केवल 30 मिनट के अंदर, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है तो केवल 30 मिनट के अंदर आपको यहाँ पर अप्रूवल मिल जाएगा। गाइस, मगर यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ तो आपको यहाँ पर पैन कार्ड देना होगा। सबसे पहले तो पैन कार्ड देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपका क्रेडिट स्कोर जो होता है वो पैन कार्ड से ही पता चलता है, कार्ड लेती है, ठीक है। तो आपके पास पैन कार्ड है तो आपको यहाँ पर पैन कार्ड अपलोड करना होगा, नहीं है तो भाई आपका लोन नहीं मिलने वाला है। उसके बाद आपको यहाँ पर आधार कार्ड देना होगा, ठीक है। आधार कार्ड भी एक जरूरी डॉक्यूमेंट है, ये तो आप सभी को पता है, विदाउट आधार कार्ड आप लोन नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो आधार कार्ड आपको यहाँ पर देना होगा एड्रेस प्रूफ के तौर पर। उसके बाद आपको यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट देनी होगी। बैंक स्टेटमेंट इसलिए देनी होती है ताकि आपका जो बैंक बैलेंस आप किस तरीके से मेंटेन करते हैं, आपका लेन देन कैसा है, वो आपको पता चल जाता है, ठीक है। और या फिर आपने कोई लोन ले रखा है, उसकी इंस्टॉलमेंट आपके बैंक के द्वारा करती है, तो उससे ये पता लगा लेते हैं कि आपकी लेन देन कैसा है। तो बैंक स्टेटमेंट इसलिए आपको देनी जरूरी होती है। अगर मैं यहाँ पर प्रोफाइल एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो गाइज, आप चाहे सैलरीड हो, चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड हो, चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस हो, चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हो, जो भी हो, आपकी उम्र कम से कम 23 साल से 55 साल के बीच होनी चाहिए। अगर मैं बात करूँ आपसे यहाँ पर कितना लोन आपको यहाँ पर मिल सकता है, सो गाइज आपको यहाँ पर मिलेगा 25,000 से लेकर 15 लाख रुपए तक का लोन, जो मिलेगा आपको 6 महीने से 36 महीने के लिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इंटरेस्ट की बात करूँ तो कम से कम 14% और ज्यादा से ज्यादा 26% इंटरेस्ट आपको यहाँ पर देना होगा। अगर आपको यह समझ नहीं आ रहा है कि कितना लोन लेने पर कितना इंटरेस्ट और कितनी ईएमआई होती है, तो मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ गाइस। अगर आप मान लीजिए 1 लाख रुपए 36 महीने के लेते हैं 14% इंटरेस्ट पर, तो गाइस उसकी ईएमआई हो जाएगी 3,417 रुपए। ये छोटा सा एग्जांपल है, आपको समझ आ गया होगा। सो अब आपको बताता हूँ यहाँ पर किस तरीके से आपने यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करना है। सबसे पहले गाइस, आपको यहाँ पर लोन अमाउंट सिलेक्ट करनी होगी, कितना लोन आप यहाँ पर लेना चाहते हैं यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है। मान लीजिए आप यहाँ पर 50,000 रुपए लेना चाहते हैं, ठीक है, तो 50,000 यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे लिखा जाएगा, अगर आप 50,000 रुपए का लोन लेते हैं 18 महीने के लिए, तो आपको इसकी ईएमआई देनी होगी हर महीने 3,095 रुपए, ठीक है। तो चलिए अप्लाई पर आपने क्लिक करना है, सेम इसी तरीके से आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है जितना भी लोन आप लेना चाहते हैं, ठीक है, ये मैं केवल आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि आप सैलरीड है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है। अगर आप सैलरीड पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने पेज कुछ इस तरीके से ओपन होगा, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड पर क्लिक करते हैं तो पेज आपके सामने कुछ इस तरीके से ओपन होगा, ठीक है। तो मैं सैलरीड पर कर देता हूँ, उसके बाद अप्लाई क्लिक करता हूँ। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर साइनअप करना है, अगर आप न्यू कस्टमर है तो आपने यहाँ पर साइनअप करना होगा। आप यहाँ पर फेसबुक, गूगल, लिंक्डइन, इनसे भी यहाँ पर साइनअप कर सकते हो। तो साइनअप पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर डाल देना है, ठीक है। तो चलिए मैं अपने यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देता हूँ अभी। उसके बाद आपने जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है। जनरेट ओटीपी पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक ओटीपी आएगी, उसके बाद आपको यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस डाल देना है, ठीक है। तो मैं अपने यहाँ पर ईमेल एड्रेस अभी डाल देता हूँ और OTP आपको यहाँ पर डाल देनी है, ठीक है। तो मैंने OTP यहाँ पर डाल दिया, अपना ईमेल एड्रेस डाल दिया, अपना मोबाइल नंबर डाल दिया, उसके बाद साइनअप पर क्लिक करना है। जैसे आप साइनअप पर क्लिक करते हैं आपके सामने जो पेज ओपन होगा कुछ इस तरीके से होने वाला है, ठीक है। सो गाइस, अब आप यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिए, आपको यहाँ पर टोटल 4 स्टेप कंप्लीट करने हैं। फर्स्ट स्टेप के अंदर आपको यहाँ पर अपना फुल नेम डाल देना है, अपना नाम वही डालना है जो आपके आधार कार्ड पैन कार्ड के अंदर। उसके बाद आपको अपना पैन कार्ड नंबर डाल देना है, उसके बाद अपना जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, करंट एड्रेस, पिन कोड, सिटी, परमानेंट एड्रेस, पिन कोड, ठीक है, परमानेंट एड्रेस वाला, और आपकी सिटी,
ठीक है, आपने इसको अलाउ कर देना है, नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, इसी तरीके से गाइस आपने इसके चारों स्टेप कंप्लीट करने हैं। मैं यहाँ पर ये कंप्लीट स्टेप आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि लोन मुझे नहीं लेना है, लोन आपको लेना है, आपको ये सभी स्टेप कंप्लीट करने होंगे। मैंने आपको बता दिया कि आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको यहाँ पर मिलेगा पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, ठीक है, जो भी लोन आप लेना चाहते हैं आप यहाँ पर अप्लाई कर लीजिए। इंस्टेंटली आपको यहाँ पर अप्रूवल मिल जाएगा, इंस्टेंटली ही लोन आपको मिल जाएगा 24 घंटे के अंदर अगर आपका लोन अप्रूवल हो जाता है तो। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड स्टेप है उसके अंदर आपको अपने वर्क डिटेल देनी होगी, जो भी है सेल्फ एम्प्लॉयड सैलरी जो भी है उसकी पूरी पूरी डिटेल आपको यहाँ पर देनी होगी। थर्ड स्टेप के अंदर अपनी बैंक डिटेल आपको यहाँ पर देनी होगी। जो लास्ट स्टेप होगा उसके अंदर आपको लोन मिल जाएगा, डिस्पर्सल हो जाएगा आपके अकाउंट के अंदर अगर आपका अप्रूवल होता है। सो गाइस ये थी वीडियो आदित्य बिरला कैपिटल पर, मुझे उम्मीद आपको समझ आ गया किस तरीके से आपने यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करना है, कैसे आपको यहाँ पर लोन मिलेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।